सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 का। सो गाइस, आर्क ड्रैगन हंटर सीजन 2 का जो पिछला एपिसोड था, उस एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग जो ना गाइस वो मचा रहे थे एकदम पुलटू तबाही। और पिछला वाला जो एपिसोड था, उस वाले एपिसोड में हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे खतरनाक एंड ओपी से कुछ एंशियंट मिथिकल डायनोज और कुछ नए डायनोज एबिस वाले जो स्पॉन हुए थे वर्ल्ड में, उनको टेम करने का काम कर रहे थे। डायनो वाइप मारा था गाइस मैंने कल, तो गाइस अभी शायद से आज यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा अलग अलग और नए वाले जो डायनोज है ना वो देखने को मिलने वाले, वो भी एबिस वाले। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ नए डायनोज को टेम करने के लिए। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या होने वाला है। आज के इस एपिसोड में हम लोग कुछ नए नए खतरनाक से एबिस वाले डायनोस को टीम करने का काम करने वाले। सो आज का जो एपिसोड है गाइस यहां पे ड्रैगन हंटर सीजन 2 का, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एनी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है वो अनलॉक है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में जो थैंक्स का बटन है उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, नीचे निट्राडो का लिंक है। निट्राडो पे आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो, तो जरूर चेकआउट कर लेना गाइस निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चले गाइस आज का ये वाला ड्रैगन हंटर सीजन 2 का एपिसोड शुरू करते हैं। और सबसे पहले जाके यहाँ पे ये देखते हैं कि कौन कौन से नए नए खतरनाक से जो गाइस डायनो है वो यहाँ पे आए, वो भी एबिस वाले। सो आर यू गाइस रेडी, आ जाओ। चलो गाइस, गीगा तो आया था कल भाई, लेकिन भाई हाई लेवल का गीगा भी का आया है कि नहीं वो आज देखना है। यहाँ पे आज देखने वाले अपन लोग भाई, ठीक है। क्रैब नहीं यार, क्रैब तो मेरे पास पड़ा हुआ है भाई 405 या उतने लेवल का समथिंग कुछ पड़ा है। रॉक ड्रेक तो नहीं होगा, क्योंकि रॉक ड्रेक जो होता है ना गाइस वो नॉर्मल वाला है। इसके नाम के आगे खाली देखो ओरिजिनली वाला रॉक ड्रेक है, नाम के आगे खाली इसके ना बीज लगा दिया गया है, चोमू बना रहे हम लोग भाई। डोडो डोडो भी नहीं चाहिए मेरे को, गिगांतोसॉरस हाई लेवल का हो प्लीज प्लीज यार। 150 लेवल मैमथ भी 150 लेवल भाई, ये दो नए डायनो यार, ये दो नए डायनो है बट 150 लेवल के गाइज, क्या ही बोले भाई। चलो कोई ना भाई, गीगा हम लोग ने जिंदगी में एबिस वाला जिंदगी में कभी भी डेम नहीं करा है। अपन आज के इस वाले एपिसोड में पहली बार एबिस वाला गीगा डेम करने के लिए जा रहे वाले। देखते चलो गाइस कि एबिस वाला गीगा जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक वाला होता है भाई, ठीक है। मैं भाई बोला करता था भाई हमेशा कि एबिस वाले गीगा का सैडल दिया गया है, बट वो गीगा ही अस्तित्व नहीं, अस्तित्व में नहीं है, गायब है। बट आज फाइनली हम लोग को यहाँ पे एबिस वाला गीगा मिलने वाला है भाई, ठीक है। 55-49 अच्छा इधर जाना है क्या, मैं गलत जा रहा था, मुझे लगा डेजर्ट साइड में, ठीक है। 55-49 इस डायरेक्शन में कहीं कहीं पर हम लोग को एबिस वाला गीगा, मजाक नहीं हो रहा है भाई, एबिस वाला गीगा मिलने वाला है। अब वो अलग बात है काफ़ी लो लेवल का है, बट एबिस है यार और ऊपर से गीगा है, सो इसका जलवा देखना तो बनता है। और गाइस जो एबिस वाले नए डायनो आए ना उनको टेम करके मैं वापस से डायनो वाइप मारूंगा, ताकि वापस से नए डायनो स्पॉन हो जाए भाई, ठीक है भाई। मजा ही आने वाला है भाई, मजा ही मजा। 55-49 आगे बढ़ते रहना है क्या, शायद से आगे बढ़ते रहना है मुझे यहाँ से, और वहाँ पर मुझे मिल जाएगा अपना प्यारा बस रुक गीगा। ओ ये रहा, यहाँ पे गई पे, क्योंकि यहाँ पे ना हाँ वो रे वो ये रहा ये रहा ये रहा गाइस गीगा, ये रहा एबिस वाला गीगा। रे बाबा मजाक हो रहा है क्या भाई, मजाक हो रहा है क्या, अबे मरना। हाँ भाई एबिस वाले गीगा के दर्शन होने वाले गाइस, एबिस वाले गीगा के भाई साहब। संभल के चिल्लाने के बाद ही अटैक करते हैं डायनो। चल बेटा पट्टा से हेडशॉट और ये एबिस खा लो और डेम हो जा भाई। मजाक हो रहा है भाई, एबिस वाला गीगा मिलने वाला है हम लोग को, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कितना खतरनाक वाला डायनो जो है ना गाइज वो फाइनली सीजन 2 में हम लोग को देखने को मिला है। सीजन 1 में जो है ना गाइज इसका नामो निशान नहीं था भाई, भाई मिला ही नहीं। मैंने 17-18 बार डायनो वाइप करा होगा,
मुझे एक भी बार एबिस वाला गीगा दिखा नहीं, बट गाइस इस वाले सीजन में हम लोग को जो है ना गाइस एबिस वाले गीगा के दर्शन हो गए। चलो आ जाओ गाइस एबिस वाले गीगा का पहले तो सैडल बना लिया जाए एकदम तगड़ा वाला। भाई गीगा इज्जत मिलनी चाहिए भाई, ठीक है, गीगा इज्जत मिलनी चाहिए। भले भाई लो लेवल का ही है, काफ़ी ज़्यादा लो लेवल का है वो अलग बात है, बट फिर भी इज्जत मिलनी चाहिए भाई। गीगा है भाई गीगा, आंडू पांडू डायनो नहीं है बाबा। भाई ले गीगा का सैडल भी बन गया है, अभी मैं काम कर लेता हूँ या भाई गीगा का जो सैडल है ना गाइस वो बना लेता हूँ भाई सैडल। अरे यार अनलॉक करने दो पहले। A few moments later. Okay, सैडल भी अनलॉक कर ली है अभी भाई गीगा का सैडल। एबिस वाला सैडल बना लेगा गाइस डायरेक्टली एबिस वाला। ये कौन सा है एबिस, और ये कौन सा है फिर हैं? गिगांतोसोरस एबिस। ए भाई रुक जा, ये क्या सैडल है? डायरेक्टली मैं एबिस वाले गीगा का सैडल बना सकता हूँ, एक मतलब दो सैडल है यहाँ पे एबिस वाले। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है, रुका देखने दो गाइस मेरे को भाई। दो सैडल क्यों है एबिस वाले भाई? ये वाला कौन सा वाला सैडल है जरा लगा अपने गीगा को। गीगा की साइज छोटी है क्या? नहीं बड़ा ही है भाई गीगा, बहुत उतना भी बड़ा नहीं है। हाँ ये सैडल भी लग गया। आर्मर प्रोटेक्शन कितने है दे रहा भाई? इसका भी 1000 आर्मर है, ठीक है। एक काम कर लो फिर भाई, मैं इस गीगा का सैडल ना सेंटेड वाला बना देता हूँ डायरेक्टली, काम 25 ही हो जाएगा भाई अपना। भाई अपना काम 25 हो जाएगा, रुको भाई इसका सैडल है सेंटेड बना लेता हूँ ना डायरेक्टली। ये लो आइटम अपग्रेड 2000 1800। भाई मजाक हो रहा है क्या? ये ले भाई कर ले असेंडेड कर ले भाई। पॉलीमर चाहिए, अरे पॉलीमर की खेती करिए खेती, मजाक हो रहा है क्या भाई? 7-8 हज़ार आर्मर प्रोटेक्शन वाला आर्मर अभी अपन गीगा को पहनाने वाले, 7-8 हज़ार भाई, ठीक है। वो इसको जितना मैं अपग्रेड कर सकूँ ना उतना करूँगा, क्योंकि गीगा जो है ना कैसे आपको बताया भाई, किंग के आर्क में गीगा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, चारचा भी नहीं। वो नया डायनो है ना चारचा, वो भी मुकाबला नहीं कर सकता गीगा का, समझ रहे हो? इतना पावरफुल और स्ट्रांग होता है गीगा। अब अलग बात है कि अगर रनिंग में होगा चारचा तो वो मार देगा गोल गोल घूम के गीगा को, बट अगर 1v1 भाई सामने से मारने के लिए आया ना तो गीगा उसकी बैंड बजा देगा। इतना पावरफुल डायनो भाई अपना गीगा। ये हो गया 6000 आर्मर प्रोटेक्शन, इसका ब्लूप्रिंट बनाता हूँ मैं, ठीक है गाइस रुको भाई। इतना तगड़ा वाला आर्मर भाई आप इसको भाई पहनाऊंगा ना कि इसकी हेल्थ लो होने के बावजूद भी कोई भी इसको मार ना पाएगा, देखना बस खाली भाई देखना बस भाई। आर्मर प्रोटेक्शन ये ले बना ले भाई, डन गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ भाई यहाँ पे, देखते हैं अभी कि हम लोग को कितने आर्मर प्रोटेक्शन वाला सैडल जो ना गाइस जो यहाँ पे मिलता है, और इस सैडल को भी अपग्रेड कर दूंगा मैं 14000। बाबा रे बाबा गाइस कुछ ज़्यादा ही ना तगड़ी वाले आर्मर प्रोटेक्शन मिली है भाई। इसको भी अपग्रेड मार, और इसको और अपग्रेड नहीं हो सकता क्या? इतना ही है क्या मैक्स? इतना ही मैक्स है, ठीक है, इससे ज़्यादा अपग्रेड नहीं। एक काम कर ले भाई, अपग्रेड तो नहीं हो सकता बट इसका ब्लूप्रिंट बना के हम लोग इसमें से अगर अगला वाला सैडल निकाले तो क्या 20000 आर्मर प्रोटेक्शन हम लोग को मिल पाएगी गाइज? क्या लगता है आपको? इतना तगड़ा वाला आर्मर किसी के भी पास नहीं होगा गाइज। अगर इसमें से 20000 आर्मर प्रोटेक्शन वाला सैडल निकला तो भाई साहब समझ लेना ये अभी तक का सबसे स्ट्रांग सैडल होगा। मुझे लग रहा है 14000 ही लास्ट है। हाँ 14000 लास्ट है भाई, 14000 लास्ट है, बट 14000 आर्मर प्रोटेक्शन भाई, 1000 कहाँ गई और 14000 कहाँ गई बताओ भाई। मजा आने वाला है भाई इस गीगा का, बस भाई इस गीगा के पास कोई स्पेशल अटैक और कुछ भी नहीं भाई, ठीक है। मैं आपको लुक देखने, रुको इसके ऊपर बैठता हूँ ना तो काफ़ी छोटा दिखाई देता है, इसलिए नीचे उतर के दिखा देता हूँ। ये देखना हमारे गीगा का लुक। साइज की अगर बात करें ना तो मेरे हिसाब से नॉर्मल गीगा से थोड़ा सा छोटा है। मैंने ये नोटिस करा है कि एबिस वाले जो खास करके डायनो होते हैं ना भाई, रेक्स हो गया, दूसरे डायनोज हो गए, वो साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, सो इसलिए गीगा भी ये छोटा है। बाकी इसका सैडल इसको ना एक नंबर लुक दे रहा बाबा इधर, हाँ एक नंबर लुक दे रहा। अभी बात करते हैं इसके अटैक्स की, तो इसके पास है कैसे यहाँ पे बाइट वाला अटैक और धमाका ऊ करके चिल्लाने वाला अटैक, और नहीं भाई नहीं यार वाह, यही तो चुमुगिरी मेरे को पसंद नहीं है भाई। ABCDEFG किसी पे कोई भी अटैक नहीं है भाई, कोई भी अटैक नहीं इसके पास, बस बाइट अटैक और ऊ करके चिल्लाने वाला अटैक बताओ, बस बाइट अटैक और ऊ करके चिल्लाने वाला अटैक। क्या करूं मैं इस गीगा का, मजाक कर रहे हो भाई तुम लोग? भाई इतना ओपी और खतरनाक वाला डायनो दिया तो दिया, बट इस डायनो के पास ही कोई अटैक नहीं है।
भाई ये मत बोलना इसके 100 बिलियन तो हो चुके हैं, 14 हो गए भाई। 100 कहाँ पे हो गए इतनी जल्दी? तो मैं सोचूं 100 कहाँ से हो गए भाई। भाई 100 बिलियन हेल्थ कर देता हूँ मैं इसकी भाई, चलो इम्प्रिंटिंग के बाद हो जाएगी, बाकी लेवल अप करके देखता हूँ इसकी, इसका फाइट अटैक कैसे है भाई। गीगा है भाई, एपेक्स प्रेडेटर है भाई ये गीगा। कितना? 38 मिलियन? ना यार, नहीं यार, तो बात सारा मूड खराब कर दिया गाइस हैं। गाइस व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस, बताओ। अबे यार रुको, मैं इसके मिली डैमेज में पॉइंट डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इसके मिली डैमेज में पॉइंट डाल देता हूँ और इसको मैं इम्प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है भाई। 128 बिलियन हेल्थ हो चुकी है भाई, लेकिन क्या फायदा अगर इसका डैमेज ही नहीं जाएगा भाई, यही तो दुख होता है। नहीं नहीं डायनो तो आ रहे हैं भाई, खुशी तो है इस बात की, बट उनका 133 भाई, मजाक कर रहा है तू, इतना कम डैमेज यार। भेज गया सिल्वर अवतार। नहीं गाइस भाई, जितने भी सपने थे मेरे हो चुके चूर चूरीज दा। मैंने सोचा था गीगा होगा भाई एकदम पावरफुल, खतरनाक, डेंजरस भाई, सबकी फाड़ के रख देगा, बट क्या ही बोले गाइस, क्या ही बोले। मुझे लग रहा है गीगा की फट जाएंगी गाइस आप। एक काम कर ले नहीं, पावर अप गीगा में दिखाओ कैसे। मैं सोच रहा हूँ मैं बॉस से फाइट लूँ भाई किसी, बट सीन गाइस ये है, बॉस से तो फाइट लेने के लिए मैं ले लूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट भाई इसके पास ना कोई कंटिन्यूस डैमेज देने वाला अटैक है, ना कोई और अटैक है। ऐसी बात नहीं कि मार नहीं पाएगा, ये मार पाएगा। इसको भाई 14,000 आर्मर प्रोटेक्शन दिया है, 14,000, तो ये मार तो पाएगा, बट इसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। एबिस वाला बॉस नहीं बुला रहा हूँ मैं बुला रहा हूँ ये लड़की को। बुलाऊँ क्या? मैं लड़की को लेके चलता हूँ भाई, चलो आ जाओ भाई, ठीक है भाई। जो हमारी लड़की बीच है ना, बीच उस बीच से हम लोग एबिस वाले गीगा को भिड़ाएंगे, और एबिस वाले गीगा को उस बीच से भिड़ाने के बाद हम लोग यहाँ पे ना देखते कि मतलब अपना गीगा उसको मार पाता है कि नहीं, ठीक है। देखते भाई उस बीच की ना बैंड हमारा गीगा बचा पाता है कि नहीं, थोड़ा गेम का आवाज भी कम कर लेता हूँ। वीच आएगी तो गाने भी बजाएगी कॉपीराइट वाले, ठीक है चलो आ जाओ यार। तो बात सारा मूड खराब कर दिस यार। 14,000 आर्मर प्रोटेक्शन गाइस समझ लो, किसी डायनो के ऊपर लगा तो कितना ज़्यादा पावरफुल, और उसको आर्मर कितना तगड़ा वाला मिलेगा सोचो बस खाली भाई। इतना तगड़ा आर्मर इसको पहना है और इसके पास कोई स्पेशल अटैक ही नहीं है, बस बाइट अटैक, बाइट कर करके किसी बॉस को मारने में इसको 4 जन्म लग जाएंगे। और को मैं उस विच को बुलाता हूँ, देखते हैं विच भाई क्या कर पाती है यहाँ पे। आ गई क्या? ये आ रही है भाई। अबे 3 बिलियन तो हेल्थ है इसकी भाई, 2,000 डैमेज दे रही है। एक मिनट क्या ये सच है? मेरा गीगा ब्लीडिंग अटैक दे सकता है बॉसेस को भी? ना 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 ना, ये सच है क्या गाइस? रुको ये विच की तो भाई बैंड बजा दी मैंने, भाई ठीक है भाई। विच भाई एक और बुला ले, मैं तो बोल रहा हूँ भाई। हाँ टेम वाले एक और ले ले भाई विच को भाई। रुको भाई, विच की तो मैंने बैंड बजा दी, बट मेरे को एक और बार यार। अरे यार बग भेज कर मर जा तेरे को टेम करना चाहता था, बट रहने दो भाई, छोड़ो ये चीज़ें डाल दे भाई। रुको मेरे को एक चीज़ ये देखने दो, ये अगर ब्लीडिंग अटैक दे रहा है ना तो फिर भाई ये किसी भी बॉस को मार सकता है, ठीक है। अगर हमारा गीगा ब्लीडिंग अटैक दे रहा है ना तो भाई किसी को भी मार सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी डायनो नहीं है जो बॉस को ब्लीडिंग अटैक दे सके, बॉस को। समझ रहे हो गाइस, बात की गहराई को समझो। टैबो वाले को बुला लूँ, टैबो वाले से पंगा ले ले, मैं तो बोल रहा हूँ। बताइए टैबो वाला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बड़े से पंगा लेके देखता हूँ कि टैबो वाले को ब्लीडिंग डैमेज दे सकता हूँ कि नहीं मैं। अगर टैबू वाले को ब्लीडिंग डैमेज दे सकता हूँ तो फिर भाई साहब मैं एबिस वाले को भी दे सकता हूँ, और फिर आपको देखने को मिलेगी ये नल्ला, मतलब नल्ला तो नहीं है, मतलब ऐसे नल्ला नहीं बोल सकते यार गीगा को, बट फिर भी यार हेल्थ और डैमेज के मामले में तो नल्ला है ना भाई, नल्ला तो है हेल्थ और डैमेज के मामले में। तो ये भाई
इसे नल्ला सा गीगा भाई किसी को भी मार देगा। देख दे रुको, अभी इसको ब्लीडिंग डैमेज पड़ रहा है क्या? अगर इसको ब्लीडिंग डैमेज पड़ा ना तो फिर समझ लेना भाई अपने मजे मजे। वाओ, वेरी वेरी डेंजरस भाई साहब। भाई ये ब्लीडिंग अटैक दे रहा है लिटरली, देखो देखो भाई चिल्ला। ए, इसके चिल्लाने वाला अटैक कब डैमेज है? Hey guys, what the? हमें नहीं मार पाएगा, 14,000 आर्मर है भाई, 14,000। घर जाएंगा ब्रदर, घर जाएंगा भाई। इसके चिल्लाने वाले अटैक का भी डैमेज है, प्लस ये ब्लीडिंग अटैक दे रहा है, ब्लीडिंग है। देखो मैंने मारना बंद करा फिर भी उसकी हेल्थ जाएगी, फिर भी उसकी हेल्थ जाएगी, बिलियन में हेल्थ जा रही है। कैसे गाइस? मेरे ब्लीडिंग अटैक से। भाई साहब गाइस, किसी को भी कभी कमजोर नहीं समझना, ठीक है गाइस? 1,000 का डैमेज दे रहा है ये भाई। मरा भाई तू, तू मरा बेटा, तू मरा बेटा, तू मरा कुत्ते की मौत मरा भाई। भाई भाई समझ रहे हो गाइस हम लोग ने क्या टीम करा है भाई? ब्लीडिंग अटैक जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक होता है, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि वो आपकी हेल्थ भाई 10 बिलियन हो, 100 बिलियन हो, 1,000 बिलियन हो या फिर 10,000 बिलियन हो, आपका जो हेल्थ होता है वो परसेंटेज में डाउन होता है ब्लीडिंग अटैक से, परसेंटेज में, ठीक है? अगर आपका 10 बिलियन हेल्थ है तो उस डायनो को मारने में भी 1 मिनट लगता है, तो 1,000 बिलियन वाले भाई डायनो को मारने में भी 1 मिनट ही लगेगा, क्योंकि ब्लीडिंग अटैक की वो पावर है कि वो भाई सबको सेम टाइप में मार देता है और सेम टाइप में उसका परसेंटेज में हेल्थ डाउन होता है, ठीक है? और प्लस मुझे लग रहा था ये जो चिल्ला रहा है ना इसे टाइम पास है, बट एक्चुअली में इसकी रोर का भी 200 मिलियन का डैमेज जा रहा है, रोर का, समझ रहे हो? रोर का 200 मिलियन का डैमेज जा रहा है गाइस। भाई ये गीगा खतरनाक है भाई, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, ये गीगा है बहुत ज़्यादा खतरनाक। और इस गीगा को जो है ना गाइस, मैं यहाँ पे अभी भाई किसी एबिस वाले डायनो से भिड़ाने वाला हूँ। आज के इस एपिसोड में नहीं भिड़ाऊंगा एबिस वाले किसी डायनो से, क्योंकि मुझे भाई एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो कि एबिस वाला और कौन कौन सा डायनो अभी यहाँ पे। मेरे हिसाब से मैमथ अकेला है, ठीक है? मैमथ अकेला, और डोडो मेरा मारा गया क्या? डोडो मारा नहीं गया शायद से, या मारा गया पता नहीं। मैमथ अकेला है, मैं काम करूंगा, मैं मैमथ को अगले एपिसोड में टेम करूंगा। वो आप 45 लेवल नहीं टेम करना है, मैमथ को मैं अगले एपिसोड में टेम करके तुरंत डायनो वाइप मारूंगा गाइस, ठीक है गाइस? क्या करेंगे अपन? तुरंत डायनो वाइप मारेंगे, फिर देखते गाइस कि यहाँ पे कौन से नए खतरनाक एंड ओपी तरीके से डायनो जो है ना स्पॉन होते हैं अभी वाले। भाई साहब मैं इसको नल्ला समझ रहा था यार, सच में मैं इसको नल्ला समझ रहा था कि ये कुछ भी नहीं कर सकता भाई। भाई 150-200 मिलियन का डैमेज तो नॉर्मल डायनो दे देते मेरे, लेकिन इसके पास जो एबिलिटी है ना ब्लीडिंग अटैक वाली, वो एबिलिटी मेरे डायनोज में किसी के भी पास नहीं है। टैबू के ऊपर एबिस वाला नहीं, सॉरी, इसका ब्लीडिंग अटैक वर्क करा है टैबू के ऊपर। आपको क्या लग रहा है गाइस, एबिस वाले डायनो के ऊपर हमारे गीगा का जो ब्लीडिंग अटैक है वो वर्क कर पाएगा? मुझे लग रहा है कर पाएगा भाई, वो अगर वर्क करा ना तो कुछ ही मिनट में, ठीक है, लगभग 2 से 3 मिनट में ये किसी भी एबिस को मार सकता है, अगर ये जिंदा रहा तो। अगर ये हमारा गीगा जिंदा रहा तो ये किसी भी एबिस वाले बॉस को इजीली मार सकता है 2 से 3 मिनट में, वो भी अपने ब्लीडिंग अटैक से। भाई इसका पावर भाई अगले एपिसोड में देखना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो मैं मैमथ टेम करूंगा और अगले एपिसोड में आपको मैं गीगा वर्सेस एबिस वाले डायनो 1,000 बिलियन हेल्थ वाले डायनो की जो है ना गाइस फाइट दिखाऊंगा, देखना जरूर, मजा काफी ज्यादा आएगा। अगला एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना। बाकी जिसको हम लोग नल्ला समझ रहे थे भाई गीगा है, वो गीगा आपको कैसे लगा जरूर बताना नीचे कमेंट करके। भले ही लो लेवल का है, भले ही लो लेवल का है, बट इसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। जो भाई ये 1,000, 2,000, 100, 200 बिलियन हेल्थ वाले बॉसेस पड़े हुए ना, डायनोस पड़े हुए, उनसे ज्यादा पावरफुल ये 128 बिलियन हेल्थ वाला गाइस डायनो है। मजा आने वाला है अगले एपिसोड में, मिस नहीं करना अगला एपिसोड। बाकी तो ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इस गीगा के टेमिंग के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय फॉर बाय। लोग जाते हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इस गीगा के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई लोग। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।